वेलकम टू द जेसी कैंपस। माय नेम इज अनिमेश शर्मा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हमारे लोग हमारे उत्तराखंड के बारे में जाने, लोग ही नहीं पूरी दुनिया हमारे उत्तराखंड के बारे में जाने कि इतना सुंदर है, क्या यहाँ की जनजातियाँ हैं, क्या यहाँ की भूगोल है, क्या यहाँ का राज्य गठन का इतिहास है। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन पक्का। अगर ये वीडियो देखते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चले इनसे रूबरू होते हैं। आज हम उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य गठन का उत्तराखंड का एक महान राजवंश हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसी कैंपस। आज हम अध्ययन करेंगे पंवार राजवंश के बारे में। पंवार राजवंश गढ़वाल का एक ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है जिसने गढ़वाल के क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा विस्तार किया और एक लंबे समय तक इस क्षेत्र पर क्या क्या आपका राज किया। हमने पढ़ा कि जिस प्रकार से कत्यूरी राजवंश एक बहुत बड़ा राजवंश होता है और लंबे समय तक उत्तराखंड के क्षेत्र पर राज करता है, लेकिन कत्यूरी राजवंश का जो अंतिम राजा बीरदेव होता है वह एक निरंकुश शासक होता है और जनता पर विभिन्न प्रकार के कष्टकारी करों को लगाने के बाद उसका जो सेवक होता है वही क्या कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। तो पूरा जो कत्यूरी राजवंश होता है ये आपका गढ़वाल के क्षेत्र में छोटे छोटे 52 गणों में बढ़ जाता है और कुमाऊं के क्षेत्र में यह फालदा, अस्कोट, बंगाण आदि क्षेत्रों में बढ़ जाता है। कुमाऊं में हमने जो फिर दोबारा से कोई राजवंश आपके सामने आता है तो वो आपका चंद्र राजवंश होता है और गढ़वाल में जो राजवंश आता है वो आपका पंवार राजवंश होता है। तो आज हम पंवार राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। पंवार राजवंश के बारे में हमें जानकारी पंवार राजवंश के जो राजा थे उनके द्वारा जो भी अभिलेख स्थापित किए गए हैं उनसे हमें पंवार राजवंश से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती हैं। पंवार राजवंश का संस्थापक शासक कनकपाल होता है जो गुजरात का रहने वाला होता है। कनकपाल धार्मिक यात्रा के लिए उत्तराखंड के क्षेत्र में आता है और धार्मिक यात्रा के लिए उत्तराखंड के क्षेत्र में आता है और इस समय पूरा संपूर्ण गढ़वाल आपका 52 गणों में बटा रहता है। इन 52 गणों में सबसे शक्तिशाली जो गढ़ होता है, इन 52 गणों में जो सबसे शक्तिशाली गढ़ होता है वह होता है चांदपुर गढ़, वर्तमान चमोली में पड़ता है। इन 52 गणों में जो सबसे शक्तिशाली गढ़ होता है वह आपका कौन सा गढ़ होता है, आपका चांदपुर गढ़ होता है। चांदपुर गढ़ होता है और चांदपुर गढ़ का जो राजा होता है वह होता है आपका भानु प्रताप। हमने कहा कि आपका चांदपुर गढ़ का राजा होता है भानु प्रताप, सबसे 52 गढ़ों में सबसे शक्तिशाली गढ़ होता है। कनकपाल धार्मिक यात्रा के इस क्षेत्र में आता है और जाके पहुंचता है आपका चांदपुर गढ़, राजा के वहां ठहरता है, काफी लंबे टाइम तक राजा के वहां रहता है और लंबा समय व्यतीत करने के बाद भानु प्रताप क्या कर देता है कि कनकपाल को अपना दामाद घोषित कर देता है, अर्थात अपना दामाद बना देता है। कनकपाल को अपना दामाद बनाया जाता है किसके द्वारा, भानु प्रताप के द्वारा। लेकिन कनकपाल क्या होता है कि एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति होता है। कनकपाल केवल यहीं तक ही सीमित नहीं रहता है और कनकपाल निकलता है गढ़वाल के समस्त 52 गणों को जीतने के लिए।
कनकपाल गढ़वाल के समस्त 52 गढ़ों को जीतने के लिए निकलता है। अब समस्त 52 गढ़ों को जैसे निकलता है जीतने के लिए, तो इस कार्य में कुछ हद तक आपका सफल भी हो पाता है और कुछ हद तक आपका सफल भी नहीं हो पाता है, लेकिन पूर्णतः हो क्या होता है, आपका सफल नहीं हो पाता है। इसके बाद गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीतने का जो प्रयास करता है वह आपका जगतपाल करता है, लेकिन जगतपाल भी क्या करता है कि गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीत नहीं पाता है। इसके बाद पंवार राजवंश का राजा होते अजयपाल। अजयपाल गढ़वाल के समस्त 52 गढ़ों को जीतने का प्रयास करता है और अजयपाल क्या होता है कि गढ़वाल के समस्त 52 गढ़ों को क्या कर देता है, आपका जीत जाता है। और समस्त 52 गढ़ों को जीतने के बाद अजयपाल ने जो गढ़वाल की राजधानी पंवार राजवंश की राजधानी थी आपकी चांदपुरगढ़, वहां से लाता है आपका कब, 1517 में। 1517 में अजयपाल ने पंवार राजवंश की राजधानी को बदलकर चांदपुरगढ़ से लाता है आपका कहां, श्रीनगर। कहां लाता आपका, श्रीनगर। और यह उल्लेख मिलता है कि किस अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि गढ़वाल के 52 गढ़ों को अजयपाल नामक शासक ने जीता था, तो इसका उल्लेख मिलता है देवप्रयाग में स्थित अभिलेख में, जिसमें यह उल्लेख मिलता है कि अजयपाल नामक शासक ने गढ़वाल के समस्त 52 गढ़ों को जीता। और यह अभिलेख देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है, जो उत्तराखंड में द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर है। उस मंदिर के पीछे क्या है कि आपका अजयपाल का अभिलेख है। पंवार राजवंश का शासक होता है बलभद्र और लोदी वंश का शासक होता है बहलोद लोदी। बहलोद लोदी सबसे पहले बलभद्र शाह को शाह की उपाधि देता है और उसके बाद पंवार राजवंश के जितने भी शासक हुए सबके नाम के पीछे से क्या लग जाता है, आपका शाह लग जाता है। एक प्रमुख घटना और होती है, 1636 में पंवार राजवंश की गद्दी, पंवार राजवंश की गद्दी पर बैठा है आपका शासक पृथ्वीपति शाह, जो मैपति शाह का क्या होता है, आपका पुत्र होता है। मैपति शाह की अचानक मृत्यु हो जाती है और पृथ्वीपति क्या करता है, आपका गद्दी पर बैठा है। पृथ्वीपति छोटा बच्चा रहता है, गद्दी पर बैठा है और इस समय मुगल राजवंश पर आपका शासन कर रहा है आपका शाहजहां, और शाहजहां का जो सेनानायक होता है वह होता है आपका नवाजत खां। शाहजहां सेना भेजता है नवाजत खां के नेतृत्व में उत्तराखंड के क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए, और यहां पर पृथ्वीपति शाह पंवार राजवंश की गद्दी पर बैठा है और पृथ्वीपति शाह क्या है, आपका छोटा है। तो जब आपका क्या होता है, पृथ्वीपति शाह पर आक्रमण करने के लिए आपका नवाजत खां के सेना नायक आते हैं, तो इस स्थिति में आपका
रानी कर्णावती जो पृथ्वीपति साकी क्या होती है और वह वीरतापूर्वक नवाजत खां के सैनिकों के नाक और कान काटती है और इसके बाद रानी कर्णावती को उत्तराखंड के इतिहास में नाकटी रानी के नाम से जाना जाता है। तो रानी कर्णावती ने नवाजत मुगल बादशाह शाहजहां के सेनानायक नवाजत खां के नाक और कान काटे थे, इसलिए उसे गढ़वाल के इतिहास में नाकटी रानी के नाम से जाना जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसी कैंपस। स्वागत है आपका जेसी कैंपस। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे।